डीके सुकुमार जी जो चेयरमैन अध्यक्ष बने अब, या अध्यक्ष बनने के बाद, केपीसीसी अध्यक्ष बनने के बाद, जो वर्कर हर एक छोटे कार्यकर्ता भी पूरे स्टेट के कार्यकर्ता, स्टेट के लीडर होंगे और सेंट्रल के लीडर होंगे, बूथ मट्ट से, बूथ लेवल से स्टेट लेवल तक और सेंट्रल लेवल तक रहना बोलकर डीके शिवकुमार जी का ये जो उनका ये है स्कीम है, ऐसा जो उनका उपाय है, वो जो उन्होंने सोच रहे ऐसा ऐसा अगर बने तो पूरा भारत देश में, ना कर्नाटक में, पूरा भारत देश में पूरा कांग्रेस पार्टी आता और आगे आने वाले दिन में कर्नाटक में और भारत देश का भी, भारत देश का प्रधानमंत्री कांग्रेस करेगा। आज का जो दिन है ये 2 जुलाई, आज प्रतिज्ञा दिन है। यहाँ पर हमारे डीके शिवकुमार प्रेसिडेंट बने हैं कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, और उनके साथ 3 कार्याध्यक्ष बने हैं जिसमें ईश्वर खंडरे साहब हैं और सलीम अहमद साहब और सतीश जारकुड़े। ये 4 आदमी जो हैं हमारे कर्नाटक के जिम्मेदार हैं आने वाले दिनों में। ये हम उनके साथ हैं, पूरे कांग्रेस के वर्कर्स, पूरे हमारे 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 MLA साहब राजशेखर पाटिल और हम सब ईश्वर खंडरे उनके साथ हैं, और सब हम मिलकर यूथ कांग्रेस, ब्लॉक कांग्रेस के पूरे लोग मिलकर एक अच्छी हुकूमत आने वाले दिनों में हम कांग्रेस की बनाएंगे, और ये जो मसले हैं जो भी हैं पूरे हल हो जाएंगे। हम आज, हमको एक नया लीडर मिला है डीके शिवकुमार के रूप में, हम उनके साथ में हैं और उन तीनों चारों को हम बहुत मुबारकबाद देते हैं रायशूर की तरफ से, और मैं उनको बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आज के प्रोग्राम को बहुत अच्छा हो गया है, पूरे कर्नाटक में आज 16,000 कैमरे बैठे थे और पूरे लोग हमारा समर्थन करे हैं और हम मुबारकबाद देते हैं। मतलब 16,000 कैमरे कर्नाटक में हर गांव में, हर गांव में लाइव चला है और पूरे डीके शिवकुमार के लाइव ये जो आज उन्होंने प्रतिज्ञा दिन करे हैं पूरे लोग देखे हैं, और आज एक ताकत बनी है कांग्रेस की। आने वाले दिनों में हमें किसी की ज़रूरत नहीं है कोई पार्टी की अलायंस करने की, हम खुद एक जन हमारे साथ है और हम पूरा हुकूमत हमारी पूरी पार्टी बनाएंगे, ना हमको JDS की ज़रूरत है ना BJP। आने वाले दिनों में हम पूरी बहुमत के साथ कांग्रेस की हुकूमत बनेंगे कर्नाटक में। आज के इस विशेष कार्यक्रम पे आए हुए सभी कांग्रेस पक्ष के पूरे कार्यकर्ताओं को मैं मुबारकबाद देता हूँ। आज इसी समय पे एक बहुत ही बड़े लीडर हमको मिल चुके हैं, आज हम बहुत खुशी हैं। डीके शिवकुमार साहब आज ने शपथ ली है, इसी तरह हम सब मेहनत कर हमारी पार्टी को हम अच्छे से अच्छा जिता कर साहब को CM बनाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इतनी का बात कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। डीके शिवकुमार साहब और सिद्धरामैया साहब, खड़गे साहब, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, और बहुत ही सीनियर लीडर हैं कांग्रेस में, बहुत ही अभी तक कांग्रेस को लेके चले हैं, और हमारे राजशेखर पाटिल साहब भी हैं, बहुत ही अच्छे लीडर हैं, पूरे हिंदुस्तान में नहीं है वैसे लीडर, सेकुलर लीडर हैं, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद। इसी तरह अभी बहुत सारे जो तकलीफ हो रही है पेट्रोल को लेके, जो रामदेव बाबा कहे थे कि मोदी सरकार आने के बाद में 35 रुपीज़ पेट्रोल होगा, तो अभी 85 रुपीज़ है, इसी के लेकर जनता बहुत परेशान है, तो इसी के ऊपर में आपका क्या कहना है, और आपकी सरकार आने के बाद में पेट्रोल का कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, अभी देख रहे हैं तुम BJP सरकार पेट्रोल के, डीजल के और बहुत सारे दाम बढ़ाई है। अभी आने वाले चुनाव में कांग्रेस ज़रूर आएंगी और डीजल पेट्रोल के रेट ज़रूर उतारेंगे, और जब कांग्रेस की हुकूमत थी जब पेट्रोल 52 रुपये 50 रुपये था, अभी देखो BJP के हुकूमत में 80 रुपये चले गया है, और पेट्रोल डीजल दोनों 85 रुपीज़ 75 रुपये। ठीक है, मैं तो आपकी सरकार आने के बाद में जनता को ये दिलासा दे रहे कि पेट्रोल और डीजल का रेट कम होगा? बिल्कुल होगा कम, अब आने वाले चुनाव में बिल्कुल डीके शिवकुमार साहब CM बनेंगे, मैं उनका धन्यवाद कहता हूँ। जय हिंद, जय कर्नाटक। मोट मोदी डीके शिवकुमार सर के धन्यवाद हेतने, आगे सदा और जोतल ना कांग्रेस पक्ष नायक और बेबल अदे रीति और प्रतिज्ञा दिन अभिनंदन तेस्तने। ये जो कांग्रेस में जागरूकता आई है कि डीके शिवकुमार की सदारत में आज कांग्रेस को एक बैकबोन सपोर्ट मिलेगा, युवा और तमाम जितने भी इनके पास कास्टिज्म ये वो नहीं है, ताकि इनके हर एक को लेके चलने की, हर कास्ट को मिला के चलने की ताकत है। इसमें कांग्रेस बहुत ही स्ट्रांग होकर कर्नाटक में फिर से एक बार कांग्रेस सरकार कायम करेंगे, और बूथ लेवल पे हर वर्कर इनको चाहता है, और इनकी मेहनत कामयाब होगी और कांग्रेस फिर से कर्नाटक में।